नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। यह ऐसा त्योहार है जिसमें 9 दिनों तक मंदिरों, पूजा पंडालों से लेकर घरों में उत्सवी माहौल बना रहता है। कई सालों से घरों में भी कलश को स्थापित करके उसकी नियम पूर्वक पूजा करना प्रचलित हो गया है। दुर्गा माँ के कई भक्तगण अब घरों में भी पवित्र कलश की स्थापना करते हैं। कलश के सामने माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र को विराजित करके और उसके सामने अखंड ज्योति जलाया जाता है और 9 दिनों का उपवास रखा जाता है। आपको बताते चले कि हिंदू धर्म में कलश को अत्यंत ही शुभ कार्य माना जाता है और कोई भी पूजा कलश की स्थापना के साथ ही की जाती है। कलश में नियम के अनुसार कई चीजें चढ़ाई जाती हैं। इन सभी चीजों की अपनी अपनी मान्यता होती है। दुर्गा पूजा की शुरुआत कलश के स्थापना के साथ ही होती है, यानी कि घट की स्थापना अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को होती है। कलश के स्थापना के साथ ही पहली पूजा होती है, इसलिए इसे स्थापित करने के कई नियम हैं। इस बार 7 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार को कलश की स्थापना होनी है। अगर आप भी अपने घर में कलश की स्थापना करने जा रहे हैं तो उससे पहले इन खास बातों को जानना बेहद जरूरी है और इन गलतियों से बचना है जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में किया जाता है। इस साल इस बार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 7 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह 6:17 से सुबह ही 7:60 तक रहने वाला है। तो इसी 50 मिनट के करीब के समय के दौरान ही आप कलश को स्थापित कर ले। घट स्थापना के लिए मिट्टी, पीतल या तांबे का एक छोटा सा मटका चाहिए। आमतौर पर मिट्टी का कलश ही प्रयोग होता है। इसके साथ ही पूजा के लिए जौ, तिल, शहद, लाल कपड़ा, रोली, कुमकुम, अक्षत, सर्वौषधि, सुपारी, पान का पत्ता, गंगा जल, आम का पल्लव, सिक्का, दीपक आदि को तैयार कर लेना चाहिए। कलश स्थापना वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शुभ मुहूर्त में कलश को तैयार करना चाहिए। सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। घट स्थापना के लिए ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा उचित होता है, क्योंकि यह दिशा देवताओं की दिशा मानी गई है। इसलिए सबसे पहले पूजा वाली जगह पर माता की मूर्ति या तस्वीर रखें। अब इसके सामने लकड़ी के एक पाटे पर लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाएं। कलश पर स्वास्तिक बनाकर और लाल मौली बांधकर उसे जल से भर दे। इसके बाद उसमें सुपारी, फूल, पंचरत्न, अक्षत, सिक्का आदि डाल दे। पाटे पर अक्षत से अष्टदल बनाकर इस पर जल से भरा तैयार कलश रखे। कलश के सामने मिट्टी रखकर उसमें जौ मिला दे। इसके बाद आम का पल्लव कलश में डाल दे। कलश को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए एक छोटे से पात्र में चावल रखकर उस कलश को ढक दे। इसके ऊपर अब पानी से भरा नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर रख दे। इस तरह से कलश को पाटे पर विधि विधान से स्थापित कर ले। उसके बाद गणेश भगवान की पूजा के साथ ही बारी बारी से सभी देवी देवताओं की पूजा ध्यान करे। इसके बाद माँ दुर्गा की छवि और कलश के सामने अखंड ज्योत जलाकर माँ दुर्गा का ध्यान करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। कलश को भगवान के रूप में 9 दिनों तक सुबह शाम पूजा करना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान जरूर रखें कि घट स्थापित करने वाली जगह खुली खुली होनी चाहिए, ताकि वहां बैठकर पूजा ध्यान की जा सके। साथ ही शौचालय या बाथरूम के आसपास कलश स्थापना वाली जगह ना हो, इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।